क्या आप हमें 3 टिप्स देंगे इस हॉल में सभी के लिए? हम ऐसा क्या करें जिससे जीवन बेहतर हो? मेरे हिसाब से पहली चीज है नींद। कितनी कितनी काफी है? बात कितनी देर सोने की नहीं बल्कि नींद की क्वालिटी मायने रखती है। ठीक है, मुझे पता था इससे आसान जवाब नहीं होगा। कुछ लोग 5 घंटे की गहरी नींद लेकर उठने के बाद भी तरोताजा रहते हैं और कुछ लोग 9 घंटे की नींद के बाद भी थके हुए लगते हैं। नींद की क्वालिटी की बात है और आज हमें समझना है कि नींद की कमी ज्यादातर बीमारियों का मूल कारण है। हमें ये समझना है ज्यादातर बीमारियां जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, सूजन संबंधी बीमारियां। जब हम सोते हैं तो सूजन अपने आप कम होती है, तो आप लगातार दर्द निवारक गोलियां, करक्यूमिन्स और अदरक और बाकी सब चीजें जो रोजाना खाते हैं, लेकिन अगर आपकी रात की नींद पूरी न हो तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो सबसे अहम बात है नींद, दूसरा होगा आपका भावनात्मक स्वास्थ्य। मैं बता नहीं सकता, मुझे अगर इसे प्रतिशत में मापना होता तो हमारे 90% पेशेंट्स की बीमारियों का मूल कारण दिमागी है, जिसका आगे चलकर शरीर पर भी प्रभाव पड़ता रहता है। एक साधारण सी कहानी है, 4 दिन पहले मेरे पास एक औरत अपनी बेटी को सलाह के लिए लेकर आई थी जिसके पूरे शरीर में एक्जिमा था, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आई थी। उसने कहा, आपको पता है ल्यूक, 2 दिन पहले मुझे एक्जिमा एक उंगली पर हुआ, एक उंगली पूरी तरह से एक्जिमा से भरी थी। और उसने कहा, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। एक रात पहले कह रही थी, मैंने पूरे ब्रह्मांड से कहा, कृपया मेरी बेटी का एक्जिमा दूर करके मुझे दे दो। 24 घंटा, ये हुआ 3 दिन पहले, उसके शरीर की एक उंगली पर एक्जिमा है, उस समय तक वो पूरी तरह से ठीक थी। देखिए, मन एक बहुत शक्तिशाली चीज है जो हमारा विनाश करता है। यहाँ पर लोगों की संख्या देखिए, हर एक की दिमागी शक्ति का उपयोग कुछ खूबसूरत निर्माण करने या फिर तबाह करने में भी किया जा सकता है। आज हम अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं लोगों की तनाव के प्रति प्रतिक्रिया, और अगर भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमें वो बीमारी हो जाएगी या वो ठीक नहीं हो पाएगी। ज्यादातर रोग दिमागी होते हैं, इसलिए मैंने कहा मानसिकता, और हम अपनी मानसिकता बदलते रहते हैं। कुछ लोगों को कैंसर होता है और वो सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग कैंसर होने के बाद भी कहते हैं, मैं उससे शक्तिशाली हूँ। अधिकतर लोग कहेंगे तो भावनात्मक तनाव, और फिर सब कहते हैं, हाल यही है जीवन का, मुझे तनाव है। देखिए, इंसानी दिमाग हर रोज इसे जताने का रास्ता ढूंढता है। आपको दुनिया भर का तनाव होगा लेकिन उससे निपटना आप पर निर्भर है। ज्यादातर लोगों को अपने तनाव से लगाव होता है, इसलिए अगर मैं कुछ खोता हूँ मतलब मेरी पहचान, सामाजिक स्थिति खत्म हो गई है, और यही सब बातें हमेशा उदास करती हैं हमें। हर एक को समस्या होती है, पर आप पर निर्भर है कि उसका सामना कैसे करें। जब लोगों को ध्यान करने को कहते हैं, जैसे ताहिरा ने कहा, वो रास्ता ढूंढो जो विश्वासदायी हो, ये वास्तविक चीजें आपको जमीन पर रखती हैं। तो आज अगर मैं दुनिया के तमाम तनावों के साथ जागता हूँ पर मैं जमीन पर हूँ मेरे विश्वास, मेरे अभ्यास के कारण, और ये तनाव मुझे बीमार नहीं करता है, तो भावनात्मक तनाव नंबर 2। नंबर 3, फिर से, ये आहार नहीं है, ये खास आहार नहीं है। लोग मेरी 3 खास आहार की सूची के लिए रुके हैं, सब गूगल पर है, जो काम नहीं करता। और ऐसे कई लोग हैं जो खास आहार लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनके जीवन में कोई बदलाव होगा या कोई बीमारी दूर होगी। 3री चीज है स्व अनुशासन। मैं कह नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सोचता है या बिना कोई बीमारी से हासिल किया हो। पहले स्व अनुशासन पर ध्यान दें। बहुत लोग आज वहां काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्व अनुशासन, फिर से स्व अनुशासन, फिर वो बीमारी का इलाज या रिश्तों में बदलाव लाना या करियर बनाने का प्रयास, सभी चीजें स्व अनुशासन पर निर्भर होती हैं। ये कड़वा सच है जो कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्व अनुशासन बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। आज हमारे पास स्व अनुशासन नहीं है। हम कहते हैं कि चलो हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करते हैं और वीकेंड में शराब पीते हैं, जिससे 5 दिन किए गए अच्छे काम और अगले 5 दिन पर पानी फिर जाता है। फिर आप सोचते हैं, चलो हमें एक अच्छे डाइट की जरूरत है, मुझे कीटो पर जाना चाहिए, वीगन बनना चाहिए, मुझे अत्यंत चरम की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अनुशासन नहीं है। वीगन बनना कोई बुरी बात नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज, उदाहरण के तौर पर, ओ चलो महीने में 1 समोसा खाया, गूगल करने पर 500 कैलोरीज, मैं ट्रेडमिल पर 500 कैलोरीज जलाता हूं और समोसे का असर खत्म करता हूं। दुर्भाग्य से हमारा शरीर गणित के उसूलों पर काम नहीं करता, वो काम करता है फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर। आप उन कैलोरीज को जला नहीं सकते। तो लोग अपराध बोध से खाते हैं और खाने से भी डरने लगते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ आत्म अनुशासन की जरूरत है। आप खाना चाहते हैं तो खाइए, खाते रहिए, पर हद से बाहर क्यों खाएं? आपको शराब पसंद है तो पिए, पर हद से बाहर क्यों पिए? मैं लोगों से कहता हूं कि समस्या चीनी में नहीं, समस्या शराब में नहीं, समस्या लोगों के भीतर है। क्योंकि कितने ही लोग हैं जो शराब पीकर भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, वो शराबी नहीं बनते, वो अपने लीवर से खेलते नहीं। कई लोग हैं जो चीनी खाने के बाद भी तंदुरुस्त रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को नष्ट करते हैं। समस्या उस व्यक्ति में नहीं, उसके स्वानुशासन में है।
तो ये हैं मेरे तीन टिप्स स्वानुशासन स्थापित करने के लिए। क्या कारण है कि हम इसे स्थापित नहीं कर सकते, क्यों स्वानुशासन मुश्किल है? सबसे पहले कड़वा सच ये है कि हम में अहंकार और अभिमान होता है, तो हम सोचते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं? मैं अमीर हूं और मुझे आराम है, तो मैं खुद क्यों उठूं और टीवी रिमोट लेकर आऊं? मैं नौकर से कहता हूं कि वो रिमोट मुझे ला करके दे। हमें लगता है हमने इसे कमाया है क्योंकि हमारे पास दौलत है और रुतबा है। स्वानुशासन जरूरी है, फिर चाहे आप एक